अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चाचा पाकिस्तानी आशिक पठान, आशिक पठान के साथ आशिक पठान की जान साथ हम इस टाइम बैठे हुए लाला दरबार रेस्टोरेंट के ऊपर। गुफ्तगू लंबी करना चाहता हूँ लेकिन इनके जो हाथ चल रहे हैं ना मेरी जबान उसके सामने नहीं चल सकती। ये आसफ लाला माय डायरेक्टर, एजाज कुरैशी, रिजवान तड़ा की ना है, अब्दुल रहमान। अच्छा ठीक है, ये वो डिश है जिसको शायद खान अफरीदी बड़े दिल से खाता है। इधर दिखाना जरा डिश, इधर दिखाना। ये वो डिश है जो मतलब इस सारी डिश में से रानी को ये पसंद नहीं है। ये खाना है ना रानी बहन? हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। लेकिन जितनी देर में आप मेरे से वीडियो बनवाएंगे आप भी नुकसान में रहेंगे तो मैं भी नुकसान में रहूंगा। गाइस इंशाल्लाह नुकसान में कोई नहीं रहते। ये वो डिश है जिसको शायद खान अफरीदी बहुत शौक से खाता है। आज हम भी खाने के लिए आए हैं लाला दरबार में और ये पहला ही आउटलेट है शायद खान अफरीदी का ऑफिशियली, जहाँ पे जो यूएई के अंदर है। इंटरनेशनल सिटी है ना लाला, इंटरनेशनल सिटी में। ठीक है, तो अब मैं आपको भी दिखा दूँ थोड़ा सा, दे दे दे। ये जी माई डायरेक्टर साहब ने, और इन्होंने को भी सबर नहीं होया तो रोटी खाने लग पे। सफर करना भी नहीं चाहिए अपने लिए। हाँ, हमने सफर किया ना अपने लिए और मेरे लिए प्लेट में डाल लिया। आप रानी बहन ने तो हड्डियां भी निकालना शुरू कर दी हैं। आसिफ लाला कैसा लगा आपको? पहली बार खा रहे हैं। ये मेरे वास्ते ना छोटा तो बेटा आखिरी बार ही खाओगे हैं माय डायरेक्टर। हमेशा थप्पड़ खाते हो आज तो बोतल खा रहे हो। लाला साहब की जो है ना मजेदार डिश जो उनको बहुत पसंद है आज हम वो खा रहे हैं। थप्पड़ तो हम फिर भी खाते रहेंगे। मेरे लिए भी डाले ना जरा, ये निकाल के। आशिक भाई जरा रिव्यू दें, आशिक भाई ये पकड़े जरा रिव्यू दें। जी जी बोले, कैसा लगा आपको खाना? खाना तो मुझे बड़ा वीआईपी लगा। लाला दरबार रेस्टोरेंट पे इस टाइम इंटरनेशनल सिटी में मौजूद है हम दुबई में। पहले भी लाला के साथ खाना खाया था बैठ के मैंने यहीं पर, यही डिश था और आज दोबारा बैठ के खा रहा हूँ मनुष्यों के साथ। खाना इतना मज़े का है ना कि बस मैं सिर्फ खाने में मसरूफ हूँ। बहुत टेस्टी खाना और हमारे लालों को पसंद है तो इसके लाला का भी टेस्ट इसमें आ गया है और मज़ेदार लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बकरा उठा के खाया और बहुत मज़े का खाना है, नो डाउट। बहुत मज़े का खाना है। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़ाया हो जाएगा, लेकिन मैंने कैमरा आपके हाथ में दे दिया और हम मज़े से अब खा रहे हैं इसको। गाइस बातें होती जाएंगी, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की वाला साहब हो जाएगा अगर सिर्फ बातें करते रहेंगे तो। बाकी ये भी जो डिश है ना, एक मिनट, ये जो डिश आपको डिश के अंदर नज़र नहीं आ रही, ये जो डिश थी ना ये वाली जो ये है, ये क्या लेवल क्या है आज भाई? ये क्या डिश है? उसको नमकीन बोलते हैं। हाँ, ये रोस्टेड नमकीन है। ये उसे पूछते हैं भाई, एक मिनट सर को बुलाना। ये अगवानी डिश खिलाती है सर जी। जो डिश जिस डिश के ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, वो डिश में डिश नज़र नहीं आ रही। सही है, इसका क्या नाम है? बूम बूम नली रान। इसको बूम बूम नली रान कहते हैं। ये नली रान है। अच्छा, ये है ये बूम बूम नली रान। जी जी बिल्कुल ठीक है। और जो साल बोटियाँ इसी की? जी जी इसकी बोटी होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्योंकि नज़र अब नहीं आ रहा, खा चुके हैं यार। हर रोज नहीं, हमने सारी वीडियो बनाई है। अच्छा अच्छा, ये हर रोज मिल जाती है? रोज डेली। इसको प्रिपरेशन पे 30-40 मिनट चाहिए टाइम, बस प्रॉपर इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए। जी जी, ये किस में बनाते हैं आप? मक्खन में बनाते हैं। मक्खन में? जी जी। चलो जी मक्खन दे पेड़ो, मक्खन दे पेड़ो। सानू ना डाकू पै गए ना साड़ी रान नू। व्लॉग दा करने आ एंड, ये व्लॉग आपको मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी फेसबुक चाचा पाकिस्तानी ऑफिशियल पे नज़र आ जाएगा।
और यहाँ जितने भी लोग बैठे सारे माँ की कसम है मैंने लाजमी फॉलो करना आशक आशक वाला